हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज हम जा रहे हैं इगतपुरी। इगतपुरी जाने से पहले हम पहले होटल लेंगे, तो मैं आपको होटल के बारे में थोड़ी मालूमात दूंगी। हम रिसॉर्ट पहुंच गए हैं। ये इगतपुरी का फेमस रिसॉर्ट है। इसकी खूबसूरती बाहर से ही नज़र आ गई। जितना खूबसूरत बाहर है, आइए देखते हैं अंदर कैसा है। हम रूम में एंट्री कर चुके हैं। रूम भी काफी बड़ा है। राइट साइड में जो फ्रेम है, इसमें रूम की मालूमात है। अब आइए देखते हैं रूम कैसा है। रूम तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। बेड भी काफी बड़े हैं। ये 3 लोगों के लिए है और चेयर भी है बैठने के लिए। टीवी है। रूम काफी बड़ा है तो स्पेस बहुत ज्यादा है। वार्डरोब भी है। टी कॉफी का भी इंतजाम है। ये हमारे फुल पैकेज में है। इसका कुछ अलग चार्ज नहीं है। छोटी सी फ्रिज भी है। ये वॉशरूम है। वॉशरूम काफी बड़ा है और क्लीन है। यहाँ पर सहूलत की सारी चीजें मौजूद हैं। गर्म पानी भी है, क्योंकि यहाँ के वेदर के हिसाब से गर्म पानी जरूरी है। वेदर बहुत ठंडा है, एसी की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। बाथरूम वगैरह तो सब क्लीन है और तकरीबन रूम में भी सारी चीज़ें मौजूद हैं ज़रूरत की। अब हम जाकर बाहर देखें। ये विंडो से पूल का नज़ारा है। बहुत ही खूबसूरत पूल है। ये तकरीबन दोपहर का टाइम है, लेकिन मौसम इतना खूबसूरत है कि मैं बता नहीं सकती आपको। अभी बारिश होकर रुकी है। यहाँ के मौसम में बारिश मतलब 10 मिनट में बारिश हो जाएगी, 10 मिनट में फॉग आ जाएगा। ये एरिया फॉग के लिए मशहूर है और ये इतना खूबसूरत है मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। अब हम लंच करने के लिए आए हैं। लंच का टाइम हो चुका है। ये ओपन रेस्टोरेंट है, गार्डन एरिया में ही बनाए हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। आप खाते वक्त बाहर का खूबसूरत नज़ारा भी ले सकते हैं। और खाने में तो बता नहीं सकती कि इतने लाजवाब डिशेस है। खाने में वेज और नॉन वेज दोनों है। खाना हमारा हो चुका है, अब मीठा ट्राई करते हैं। मीठे में हमने लिया है शाही टुकड़ा और रसमलाई। वाकई ही बहुत लजीज है। खाने के बाद हमने थोड़ा आराम किया, फिर शाम में थोड़ा पुल में स्विमिंग वगैरह किया। जैसे कि आप देख रहे हैं मंजर कितना खूबसूरत है। हमने तो बहुत इंजॉय किया। यहाँ खासकर बच्चों के लिए बहुत अच्छे इंतजाम है। चलिए, रात होने वाली है, डिनर करके थोड़ा आराम करेंगे, फिर सुबह ब्रेकफास्ट में मिलते हैं। ब्रेकफास्ट शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं मज़ेदार वाइफल, आलू चाट भी बहुत मज़ेदार था। यहाँ बहुत से लाइफ काउंटर है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप 2 या 3 दिन के लिए कोई अच्छी जगह का प्लान कर रहे हैं वेकेशन के लिए, तो इगतपुरी ज़रूर आइए। यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत है। ये जगह फॉग के लिए बहुत मशहूर है और मौसम भी खूबसूरत है। और ज़्यादा यहाँ जुलाई और अगस्त में टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत होती है और बारिश में ही यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं बहुत जल्दी इगतपुरी का एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। मेरे उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। उसमें इगतपुरी के बारे में आपको बहुत सी जानकारी दूंगी
और बहुत से खूबसूरत नज़ारे देखने मिलेंगे, वाटरफॉल, पहाड़ी इलाके, तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने मिलेगी, तो ज़रूर देखना उसे। आगे की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, आप ज़रूर चेक कर लीजिए। उनका पर डे चार्ज 16,000 था, उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ ऐड था और टैक्स वगैरह जो भी है। हमारा तो ये वेकेशन बहुत ही यादगार और ख़ूबसूरत रहा। चलिए आगे फिर और मज़ेदार वीडियो लेकर आऊँगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपको मिलूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।